हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम फिर से मिल रहे हैं। आज मैं आपको एक अपने दिल की बात आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मैं पहले सोचा करती थी कि खुशी किस में है, खुशी कहाँ ढूँढूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं हर छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाया करती थी। उसका भी एक पीछे रीज़न था, क्यों आज का इंसान छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दुखी हो जाता है। उसका एक रीज़न है कि हम एक्सटर्नल चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, लाइक पैसा, बंगला, कार, जॉब। मतलब हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास वो नहीं तो हम खुश नहीं, अगर वो नहीं तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। आज लोग पैसे पे इतना डिपेंड हो गए हैं। मैं खुद भी थी। मैं YouTube पे आई, मैंने कहीं से इंस्पिरेशन ली और मैं YouTube पे आई पैसा कमाने के लिए। मुझे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं मिले, मैं बहुत दुखी हो गई। नहीं, मैं नहीं कमा सकती, मैं नहीं कर सकती, मुझे किसी की गाइडेंस नहीं मिल रही, मैं ब्लेमिंग करने लगी। मुझे किसी की गाइडेंस नहीं मिल रही, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, मेरे को एडिटिंग नहीं आती, तो मैं किस तरह से YouTube पे ठहर पाऊँगी। मतलब कमियाँ निकालने लगी, मैं ब्लेमिंग करने लगी दूसरों पे कि उसने मेरी हेल्प नहीं करी। या मतलब रियलिटी है कि मैं ये बोलने लगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये नहीं ला के दिया, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। नहीं, अभी गिलास है जो आधा भरा हुआ है, हम इसका पॉजिटिव भी देख सकते हैं, आधा भरा हुआ। अगर जिसने नेगेटिव सोचना है तो वो ये सोचेगा कि ये आधा खाली है। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से उस सिचुएशन को लेना है, आधा भरा हुआ या आधा खाली। तो मेरी लाइफ में जो जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली थी यूट्यूब की, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे पास लाइट्स नहीं है, कैमरा नहीं है अच्छा, तो क्या हुआ, डू द वर्क इन नेचुरल लाइट्स। तो मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि मैं क्यों इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दुखी हो रही हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि हम सिचुएशन पे अपनी हैप्पीनेस को ढूंढते हैं। अगर हमारी सिचुएशन अच्छी है तो हम खुश हैं, हमारी सिचुएशन बेकार है तो हम दुखी हैं। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? पर सबसे बड़ी बात कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की पावर नहीं है। एक्सेप्टेंस की पावर जिसके अंदर नहीं है वो नहीं खुश रह सकता कभी। एक्सेप्टेड, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, तो खुशी ज़रूर मिलेगी। और किसी को ब्लेम मत करो किसी चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल क्या है, अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे चाहिए कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे आगे, अरे आपने बहुत अच्छा किया, तो मैं बड़ी खुश हो जाऊँगी। इसने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं आया तो मैं बड़ी दुखी हो जाऊँगी। क्यों? आपने जो किया आप उससे खुश थे ना, तो आप खुश रहो, बिकॉज आपको उस चीज़ से हैप्पीनेस मिली। आप दूसरों के कहने पे खुश और दुखी होगे, इट मीन्स यू आर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। आप सिचुएशन पे डिपेंड नहीं रह सकते अगर आपको खुश रहना है तो। और क्या गारंटी है, अगर आज मेरे पास पैसा है, फॉर एग्जांपल आज मैंने पैसा कमा लिया, तो क्या गारंटी है कल भी मेरे पास इतना ही पैसा होगा और मैं इतनी ही खुश होंगी? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो आपको थोड़े टाइम के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर हमें हमेशा के लिए खुशी चाहिए तो हमें अपने स्टेट ऑफ माइंड को स्टेबल रखना होगा। हमें चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को लेना होगा, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना होगा। क्योंकि हर सिचुएशन अपने एक पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप, मैं कह रही हूँ कि आपके कर्म आपको नहीं दिखाते, आपके अच्छा बुरा नहीं दिखाते, आपके कर्म बहुत बड़ा रोल करते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि कर्म करो, करते रहो,
खुशियाँ अपने आप आएंगी। एक आदत बना लो खुश रहने की, तो सक्सेस अपने आप आपके पीछे दौड़ेगी, लोग आपसे अपने आप कनेक्ट होने लगेंगे। अगर आप किसी को अपना दुखड़ा सुना भी रहे हो तो वो सुन के चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकता उसमें। इवन नेगेटिव थॉट्स और देगा, नहीं तू ऐसे कर, नहीं तूने ऐसे किया, नहीं तूने ये नहीं किया, नहीं तूने वो नहीं किया, इस वजह से तेरे साथ ये हुआ, तो वो अपने थॉट्स देगा, इससे आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो बेटर है कि आप अपने आप पे विश्वास रखें, और अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे बड़ी बात ये है, इस बात से हमेशा खुश रहें कि आप अभी जिंदा हैं। क्यों है? क्योंकि एक मकसद है आपको जिंदा रहने के पीछे। यू आर अलाइव, पर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। आपको लगता है कि आदत आपकी अच्छी नहीं है, तो चेंजिंग्स लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां होंगी, थी और हैं भी सही। पहले मैं अपना गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती थी, बट अब थोड़ा सा कंट्रोल होने लगा। क्यों? क्योंकि मैं समझने लगी कि गुस्सा कर मैं अपने आप को परेशान कर रही हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि सामने वाला भी आपके उस गुस्से को समझे। हर्ट तो सबसे पहले मैंने अपने आप को किया ना, अपने आप को दुखी किया, उस चीज़ को सोचती रही, वो एक एग्रेशन के फॉर्म में बाहर निकला। कौन हर्ट हुआ? मैं हर्ट हुआ। तो अगर मैं सिचुएशन को लेट गो करती, कुछ चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी, मैं उसको अपने पास ही नहीं रखती, तो वो मुझे हर्ट कभी नहीं कर पाती, मैं हमेशा खुश रहती। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वीडियो डाला और उसमें 20-30 व्यूज़ आए, लोगों ने देखा तो मुझे खुशी हुई, 20 बंदों ने तो मेरी वीडियो को पसंद किया, एक सब्सक्राइबर बढ़ा, आई एम वेरी हैप्पी, मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ा, खुद बढ़ा। तो उस बंदे ने तो मेरी वीडियोस को पसंद किया, तो छोटी छोटी खुशियाँ मिला के कब बड़ी बन जाती हैं पता नहीं चलता। ट्राई टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। एक स्माइल आपके चेहरे पे एक पॉजिटिविटी ला सकती है, दूसरों को भी खुश रख सकती है। तो अपने फेस पे स्माइल बना के रखो, पॉजिटिव रहो, एक्सेप्ट करो, ब्लेम मत करो। ये चीज़ें अगर हम अपने लाइफ में धारण कर लें तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे। हो सकता है मैंने आप सबको बोल किया, बट आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस कि मैं किस तरह से यूट्यूब पे आई, किस तरह से मैंने बीच में काम करना छोड़ दिया बिकॉज मैं बहुत दुखी हो गई थी, और किस तरह से मैंने वापस एक स्टार्ट किया। तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, ज़्यादा आपको डिसग्रेड ही करते हैं, कुछ नहीं कर सकती, थोड़ा टाइम करती है, छोड़ देती है। बट बहुत थोड़े लोग होते हैं जो आपकी पावर को समझ सकते हैं, आपके इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। तो वो लोग तब कनेक्ट होते हैं जब आप उस लेवल पे होते हो, आप उनको उस कनेक्शन में लेने के लायक होते हो, वो लोग तब आपके साथ कनेक्ट होते हैं। सो बी हैप्पी एंड कनेक्ट द पॉजिटिव पीपल्स इन योर सर्कल। जब आपके साथ एक पॉजिटिव पीपल, एक पॉजिटिविटी जुड़ जाएगी, तो देखना लाइफ कितनी मज़ेदार हो जाएगी। कोई आपको नहीं रोक पाएगा सक्सेस से, सक्सेस आपके पीछे खुद दौड़ेगी। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि मेरे भी
अच्छे रिजल्ट्स खुद के लिए। आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही कहना था, खुश रहो, बी हैप्पी, बिकॉज इट्स अ स्मॉल लाइफ और आप यहाँ पर किसी ना किसी मकसद से आए हो। तो सबसे बड़ा मकसद अपना ये बना लो कि सबके चेहरे पे आपने खुशियाँ देनी है, दुख कभी नहीं देना। मैंने भी पिछले, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, पिछले कुछ दिनों से मैंने ये नोटिस किया अपने आप में ये चेंज। मैं जिनको फॉलो करती हूँ उनकी मैं वीडियोस देखा करती थी, मैंने देखा कि सच में मैं कहाँ अपने आप को पीछे छोड़ रही थी, मेरे अंदर किस चेंजेस की ज़रूरत थी, मैंने वो नोटिस किया। आई एम ट्राइंग माई सेल्फ बेस्ट कि मैं अपने आप को, मेरी जो वीकनेस है उनको मैं हटाकर मैं स्ट्रेंथ बनाऊँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखकर आप सब भी कोशिश ज़रूर करेंगे। मैंने छोटा सा वाक्य सुना था किसी का कि एक भक्त भगवान के पास जाता है, भगवान कहता है मैं तुमको टेस्ट, भगवान के मन में आता है कि आज मैं इसको टेस्ट करती हूँ। उसको बहुत गालियाँ देता है, उसको बहुत भला बुरा बोलता है, तो वो भक्त जो होता है वो बस सुनता रहता है, तो जवाब नहीं देता, तो वो भी हैरान होता है भगवान किसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने इसको इतना भला बुरा कहा, इतनी गालियाँ दी, इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो नेक्स्ट डे जब वो आता है भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, इतना गलत कहा, तूने मुझे कुछ नहीं कहा था, क्यों? तो उस समय वो वक्त बोलता है कि मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैंने जो चीज़ें मेरे लिए नहीं थी वो मैंने ली ही नहीं, तो मुझे अफेक्ट कैसे करेंगी, मुझे गुस्सा क्यों आएगा, तो मैं सिर्फ वही चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ, मैं वही चीज़ें लेता हूँ जो मेरे लिए हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं। मेरे भैया हैं, बड़े भैया, उनकी मैंने एक बात सुनी थी, वो मैं आज तक फॉलो करती आ रही हूँ। सुनो, सबकी सुनो, बट एक्सेप्ट वही करो जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपके लिए बनी हो। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आप लें जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, जो चीज़ आपको दुख दे उसको वहीं लेट गो कर दें, छोड़ दें। अगर आप उसको लेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो वो आपको दुखी नहीं देंगे। मैं भी पहले क्या होता था, कुछ चीज़ें होती थी उसको लेके बैठी रहती थी, नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो मेरी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होगी, वो मुझे हमेशा दुख देंगी। अगर मैं उसको वहीं छोड़ दूंगी तो मैं हमेशा खुश रहूंगी, ये मैंने जान लिया, आप सब भी जानिए। थैंक यू सो मच, होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपके लिए कोई लेसन लेकर आई हूँ। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढिए, हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।